गीता जी ने अपने एक पॉडकास्ट में ये कहा था कि मेट्रो की बात जो आप करते हैं कि आप मेट्रो मैन अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो मेट्रो की बात जब शुरू हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जब हम आपसे डिस्कस कर रहे थे तो आपने कहा था कि मीरा भाईंदर जैसे शहर में अंदर तक मेट्रो लाने का कोई मतलब नहीं है, वो बात मैंने रखी थी सामने, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? किसने कहा था मेट्रो लाने? वो गीता जी ने कहा था सर। देखिए, मैंने क्या कहा, थोड़े दिन जान दीजिए, वो कहेंगे कि भाईंदर मीरा वाला जो उत्तर में समुंदर है वो भी उन्होंने ही बनाया था। उस समय उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश से कहा होगा, शायद ऐसा हो सकता है। फालतू बातें, क्या लेना देना मेट्रो से उनका? जब मेट्रो आई, ना वो मेयर थे ना विधायक थे, इसलिए लेने का सवाल ही नहीं आता। और एक मिनट के लिए मान के चलो कि सब उन्होंने किया, तो फिर भ्रष्टाचार का आरोप हम पे क्यों? मेट्रो आपने लाया, रोड आपने बनाया, हॉस्पिटल सब आपने बनाया, अब भ्रष्टाचार कोई और कैसे करेगा? आप समझे मेरा बोलने का मतलब? तो फिर लोगों को ये सब काम मैंने किया और भ्रष्टाचार भी मैंने किया। भ्रष्टाचार उन्होंने किया, काम हमने किया, ऐसा होगा क्या? उदाहरण दे रहा हूँ, हम किसी की अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट भी उन्हीं को देना होगा। अगर आरोप जिसके ऊपर, तो क्रेडिट भी उनको जाएगा। आप क्या कर रहे हो, आरोप उनको दे रहे हो, क्रेडिट हम ले रहे हैं, ये नहीं हो सकता है ना। तो यही कहना चाहता हूँ, फेक बातें, फेक नैरेटिव चला रहे हैं। और वो मेट्रो अगर शुरू किया तो 5 साल में पूरा क्यों नहीं किया? सब मैं जनता को कहूँगा, इनकी बातों में ना आए, ये लोगों को गुमराह करके वोट ले रहे। 9 वचन में से 1 वचन पूरा हुआ क्या? मेट्रो तो इनके विधायक बनने के बाद हुआ ना, जो विधायक बन के कुछ नहीं किया, तो विधायक नहीं तो इतना प्रभाव था कि वो मेट्रो लेके आ गए, आप समझे? विधायक तो 19 से बने, मेट्रो तो पहले हुई ना, उसका भूमि पूजन नरेंद्र मोदी जी ने कल्याण में किया था, मेयर डिंपल मेहता थी, मैं विधायक था, इनका क्या लेना देना? और है तो फिर 9 वचन क्यों नहीं पूरे किए? इसलिए 9 वचन की बात करिए और दूसरी बातों को श्रेय लेने की कोशिश ना करें। धन्यवाद।